अस्सलाम वालेकुम नाजिन, कतरी शाही खानदान की पाकिस्तान में मौजें हैं। खत भेजा, उसके बाद अब पूरा कतरी खानदान यहाँ शिकार की नीयत से पाकिस्तान पहुंचा है। चंद दिन रुकेंगे, अच्छा सा शिकार करेंगे। पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे कि ये शिकार हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ है, सियासतदानों को अब ये इजाजतें देनी पड़ेंगी, वो शिकार करेंगे। आपके कोर्ट में आके जवाब तो कोई नहीं देंगे, वहीं से जहाज में बैठेंगे और वापस चले जाएंगे। उनका इस्तकबाल भी फर्स्ट फैमिली करेगी, मियाँ साहब के साहबजादे, वजीर आजम पाकिस्तान के साहबजादे उनका इस्तकबाल करेंगे एयरपोर्ट पर, घर में खाना खाएंगे। यानी ये सब वो चीज़ है जो जाती ताल्लुकात के लिए तो ठीक, मुल्क के वजीर आजम के लिए कितनी ठीक, ये एक अलहदा बहस है। हमारे मुल्क की सियासी तारीख भी और उसकी रिवायतें भी ऐसी हैं। एक रिवायत की जड़ें पिछली 3 दहाइयों में खूब गहरी हुई हैं, वो ये कि सब रहनुमाओं के कोलो फेल में तजाद है। जिस तरह तमाम उलमा के और दीगर मजहबी वाबस्तगी एक दूसरे को नहीं मानते, उसी तरह हमारे सियासतदान भी एक दूसरे को नहीं मानते, इल्जाम लगाते रहते हैं। तमाम जमातों के कायदीन के लिए दीगर सियासी जमातों की रहनुमाओं की ईमानदारी मशकूक रहती है, और अगर अपनी सफ में देखें तो आपको ऐसे ही बहुत से लोग अपनी तरफ खड़े नजर आएंगे, लेकिन जब आप बाहर देखते हैं तो आपका बाहर का जाविया ही बदल जाता है। यही काम वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने ये 2-1 दिन पहले किया। उन्होंने इल्जाम लगाया परवेज मुशर्रफ साहब पर, उन्होंने कहा कि साबिक आमिर यानी परवेज मुशर्रफ साहब ने अरबों रुपए जेब में डाले, और जब पकड़े गए तो कहते हैं शर्मिंदगी से कि पैसे बादशाह ने दिए। कितनी हैरनी है इस एक बयान में। खाली इस एक, ये एक बयान आपको सारी सियासत बताता है कि यही काम कुछ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट ने भी किया है कि आप पर, आपसे एक सवाल पूछा गया और एक कतरी शहजादे का खत आ गया, जनाब ये पैसे हमने दिए, आपने भी यही किया। वो परवेज मुशर्रफ साहब को खाम खाब इल्जाम दे रहे हैं। वजीर आजम कहते थे दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों को फरोख्त करके, इसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, वो सरमाया है ये हजूर जिससे लंदन के फ्लैट खरीदे गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि कतरी शहजादे ने सेटलमेंट में हुसैन नवाज को ये अपार्टमेंट्स दी। पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं लेकिन काम करने का बड़ा शक रहता है कि ये लोग, ये इदारे काम नहीं करते। सबसे पहले देखें, एक कौमी असेंबली है, स्पीकर के पास असासे छुपाने का जो रेफरेंस आया, मल्टीपल बहुत से रेफरेंसेज आए, इसमें वजीर आजम साहब का रेफरेंस था, उनके दामाद कैप्टन सफदर का रेफरेंस था, जो अपनी अहलिया मरियम नवाज के असासे छुपाने और इंतखाबी गोशवारों में गलत बयानी का रेफरेंस था, जबकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, उनकी जमात के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन और पर भी तकरीबन ये इल्जाम लगे। स्पीकर ने वजीर आजम और कैप्टन सफदर के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद कर दिया, जबकि इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। होना तो यह चाहिए था कि तमाम रेफरेंसेस का फैसला इलेक्शन कमीशन करता, बट ये शायद इलेक्शन कमीशन की नाहली है जिसकी वजह से इस मामले का जो बोझ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त 4 अहम शख्सियात, वजीर आजम नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो दामाद भी हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंसेज जेर इल्तवा हैं। इमरान खान पर नून लीग का इल्जाम है, उन्होंने जनवरी 2015 तक एक ऑफशोर कंपनी रखी लेकिन असासों में जाहिर नहीं किया, जबकि बनीगाला की रिहाइश का, जिसको अपनी बीबी जमायमा का तोहफा बताते हैं, दरअसल उन्होंने खरीदी है। उसके अलावा इमरान खान साहब पर इल्जाम है कि बर्तानिया में मौजूद 1983 में खरीदा गया फ्लैट भी उन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर की एमनेस्टी स्कीम में जाहिर किया। इमरान खान साहब पर जो चार्जशीट है हुकूमत की, वो उसके लिए चंद हुकूमती वुजरा क्या कहते हैं, सुन। ऑफशोर कंपनी नियाजी लिमिटेड सर्विसेज, और नियाजी लिमिटेड सर्विसेज जो बनाई 1983 में, वो 2015 तक रखी, 2015 तक, एक साल भी पाकिस्तान के कभी इलेक्शन कमीशन को सबमिशन में या टैक्स रिटर्न्स में कभी भी उसका जिक्र नहीं किया। फ्लैट खरीदा 1983 में, 1999 तक उसका किसी पाकिस्तानी टैक्स रिटर्न्स में जिक्र नहीं है। तो 1999 तक छुपा के रखा फ्लैट, और शो कब किया, 2000 में, क्यों शो किया उन्होंने जी। इसी तरह के इल्जामात सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब पर भी हैं। उन्होंने मुशर्रफ दौर में तांदियावाला शुगर मिल्स के लिए ज़रई तरक्याती बैंक से 101 मिलियन रुपए कर्ज हासिल किया, जो बाद 2005 में माफ करवा लिया, मुबैना तौर पर इल्जाम ये है। इसी तरह 2010 में जहांगीर तरीन साहब की JW जो जमालुद्दीन वानी शुगर मिल्स के 10 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उनकी लाहौर की रिहायशगाह का प्राइमरी पास वेटर अब्दुल गफार बतौर डायरेक्टर दर्ज, जबकि 2011-2012 की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फहरिस्त में जहांगीर तरीन की लाहौर की रिहायशगाह का खानसामा मोहम्मद इस्माइल भी बतौर डायरेक्टर दर्ज है। ये हैं इल्जामात जो
इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ है, और ये जो आखिरी साहब हैं बोर्ड की फाइनेंशियल कमेटी के मेंबर भी हैं। कुछ रोज कबल एससीसीपी ने जो पिटीशन इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में है, जहांगीर तरीन साहब की तरफ से कंपनी शेयर में मुबैना घपलों की बात पर 7 करोड़ का जुर्माना अदा करने का बयान भी जमा करवाया है। इसके अलावा एफबीआर ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने जो जवाब जमा कराए हैं, जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ 2010 के टैक्स रिटर्न्स में 545 मिलियन रुपए जरिए आमदनी जाहिर करने के लिए किए उन्होंने, लेकिन हैरानकुन तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने यही आमदनी 120 मिलियन रुपए जाहिर की। इंक्वायरी हो रही है 425 मिलियन रुपए कम क्यों जाहिर किए गए। ये हैं वो इल्जामात जो जहांगीर तरीन साहब की के ऊपर लगे हुए हैं। यही इल्जामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने है। जहांगीर तरीन साहब के बारे में आज उन्होंने दानियाल अजीज साहब ने क्या कहा, यह भी सुन। पीटीआई की जानिब देखा जाए तो वहां तो माशाल्लाह और तो और कोई छोटे मोटे ओहदे को छोड़े जो उनका सेक्रेटरी जनरल है उसका एक एतराफी जुर्म के एतराफ का बयान जो है और रकम जो है, ना सिर्फ जो रकम मुनाफे में गलत कमाई गई बल्कि उसका जो जुर्माना है 1.5 करोड़ रुपए का, वो अज खुद उन्होंने किसके बिहाफ पे, अपने माली और अपने कुक के बिहाफ पे उन्होंने एसईसीपी में जमा करवाया, उस वक्त जब पे उसी शोबे के वजीर भी थे। और जुर्म क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये बाहर की दुनिया में आप देखते होंगे जो मशहूर जमाना काले लोग हैं जो काले धन के साथ मुंसलिक होते हैं उनके ऊपर ये ताबे लगते हैं। वैसे अगर कहा जाए कि नाजिन ये हैं वो तरीके जिससे पैसे छुपाए या टैक्स छुपाए जाते हैं तो गलत नहीं होगा। बहरहाल ये हैं इल्जामात पाकिस्तानी सियासत। अलीम खान साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब कहते रहे ये इन्होंने कब्जे किए हैं जमीनों पर वगैरह वगैरह, उनको ये याद नहीं रहा कि आप वजीर आला खुद हैं। इसके लिए तो आप कुछ खुद भी कर सकते हैं। तरीके इंसाफ ने अपना फैसला सुना दिया कि कमीशन नहीं, यही 5 रुकनी बेंच हमारा फैसला करे। लंदन फ्लैट्स की खरीदारी, ऑफशोर कंपनियां और मनी ट्रेल के हवाले से वजीर आजम के खानदान और करीबी साथियों ने बार बार कहा कि हमारे पास सबूत मौजूद है। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज ने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं और ये सबूत मुतलका फोरम पर वक्त आने पर पेश कर दिए जाएंगे। फिर हारून पाशा साहब जो मियाँ साहब के कारोबारी मामला देखते हैं वो भी एक टीवी शो में आए और उन्होंने भी कहा कि तमाम सबूत मौजूद हैं। इसका जो ना सबूत मेरे पास है तो आप जो ना अपना मुझ तक ही रहने दें। अगर लेट से कि जो ना कल को मुझे ये बात आप जो है ना कानूनी तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ पूछेगा तो मैं वहां पर दूंगा, लेकिन जो है ना जहां तक अमाउंट्स का ताल्लुक है आप उसको मुझ तक रहने दें। और ये मेरा हक है कि मैं अपने कारोबारी मामला जो है उनको जो ना सीक्रेसी के साथ ट्रीट करूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज जो है और जब वक्त आएगा तो साबित भी कर देंगे। देखिए जुबानी कलामी तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ना चलेंगी। जिस हद तक कोर्ट ने हमसे मटेरियल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तलब किया, इंशाल्लाह ताला हम उस हद तक कोर्ट को वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़रूर पेश करेंगे और कोर्ट को हम सेटिस्फाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी तफसीलात देनी पड़ी वो हम ज़रूर देंगे। शाहजेब साहब, हमने आखिर बग़ैर किसी चीज़ को चैलेंज किए बग़ैर हमने अपने आप को कोर्ट के आगे सबमिट कर दिया और इंशाल्लाह हम कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने भी असेंबली के फ्लोर पर पूरी कौम को यकीन दहानी कराई थी कि दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियां बेचकर लंदन के फ्लैट्स खरीदे और उनके पास तमाम सबूत और दस्तावेजात मौजूद हैं। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाजे और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूँ कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। इन तमाम यकीन दहानियों के बाद पैनमा के इस केस की पिछली समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म साहब के वकील से अदालत ने सबूत के बारे में पूछा तो जवाब कोई नहीं मिला, कोई रसीद नहीं कि मामला ये कहा गया कि मामला 40 साल पुराना है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने यही वजीर आजम साहब का बयान मुतअद्दिद बार याद कराया जिस पर वकील साहब ने सबको एक चौंका देने वाला बयान दिया, कहा यह तो सियासी तकरीर थी।
मैं कोशिश करके भी ये सियासी तकरीर का मतलब अभी तक समझ नहीं पाया कि सियासी तकरीर होती क्या है, किसी तकरीर को सियासी कहने का मतलब क्या है। जो मतलब मेरे जहन में आ रहा है वो इंतहाई खतरनाक है, कहना नहीं चाहता, लेकिन जो मतलब इसका अखज कर सकता हूं वो यही है कि क्या उन्होंने गलत बयानी की, झूठ बोला। मुझे तो इसका कोई तीसरा मतलब समझ नहीं आ रहा कि आपने असेंबली के फ्लोर पर एक बात की हो, जज ने आपसे पूछा हो कि वजीर आजम साहब ने कहा था, और आप कहें जी ये तो सियासी तकरीर। क्या उनके कहने का यह मकसद था कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान कौम से खिताब में अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम का जवाब दें तो आप इस पर यकीन ना करें क्योंकि महज एक सियासी तकरीर है। कोर्ट इस सियासी तकरीर का क्या मतलब निकालती है यह मसला कोर्ट ने ही हल करना है। लेकिन मेरे लिए खासकर जाती तौर पर बड़ी परेशान कुन बात है कि मैं अपने वजीर आजम की किसी भी तकरीर का यकीन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक सियासी तकरीर है। दूसरा, यह केस जिस जगह आ गया है, अब अगर तहरीके इंसाफ ने यह जिम्मेदारी मोजेस जदों पर डाल दी है कि वो फैसला करें कि वजीर आजम घर जाएंगे या वजीर आजम रहेंगे, आखिरी दिन की समाअत देखकर लगता है कि जो बार सबूत वजीर आजम पाकिस्तान पर डाला गया था वो सबूत तो नहीं आए। ये जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कि शिफ्टिंग बारे सबूत है, जो कि अब जो सवाल तहरीक इंसाफ ने खड़े किए हैं उनका जवाब सलमान भट्ट साहब ने देना है। ये कहा कि आप पर है वो बारे सबूत, क्या वो बारे सबूत अब भी वजीर आजम पाकिस्तान पर है? अगर कोई मनी ट्रेल ना आई, कोई सबूत ना आया, कोई कागज ना आया, कोई कतरी शहजादा अदालत को मुतमईन करने के लिए ना आया तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल। अदालत ने चार सवाल रखे थे वजीर आजम साहब के सामने, बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, पैसा कहां से आया, मुंतकल कैसे हुआ, मरियम साहिबा का जेरे कफालत का मामला, और वजीर आजम की तकरीरों में तजाद है या नहीं। हम आज भी वहीं खड़े हैं और सलमान भट्ट साहब के पास आज भी वो इनसे कहा जाएगा कि आप इसका जवाब दें, पिछली पेशी में जवाब नहीं दिया, अब अगर दोबारा जवाब नहीं आता तो क्या होगा? भिखारी बन के आया हूँ इलाही तेरी चौखट पर, भिखारी बन के आया हूँ सरापा फ़ख्र हूँ, इज़्ज़ो नदामत साथ लाया पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ये आज का प्रोग्राम करने में मेरा ख्याल है इंतहाई मुश्किल प्रोग्राम इसलिए होगा क्योंकि जिन लोगों को आप ज़ाती तौर पर जानते हैं उनके साथ इस तरह के प्रोग्राम और उनके जिन लोगों की आपके दिल में बड़ी इज्जत हो, आपका ताल्लुक बड़ा अच्छा हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके बारे में बात करना। वसीम मेरे साथ मौजूद है, वसीम बादामी, अभी थोड़ी देर पहले वो टीवी स्क्रीन पर वसीम बैठे हुए थे, मैं उनको भी देख रहा था और मैं पहली कोशिश तो ये कि मैं अपनी न्यूज़ टीम को कहा कि अगर वो न्यूज़ में कर लें, बिकॉज अगेन मैं अभी जो हज किया इस साल, मैं जुनेद भाई उनकी फैमिली और हमने इकट्ठे हज किया था। वो दिन, उससे पहले, बाद में जो जितने रबते हैं, वेरी आई कांट रियली, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है ये बताने के लिए कितना मुश्किल वक्त है ये इशू कितना मुश्किल है बात करने के लिए। वसीम, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग गोइंग थ्रू, मैं मुझे समझ में आ रही है कि आज सुबह आप मुझे कह रहे थे मैं आपके प्रोग्राम में आऊं और देखिए कुछ घंटे बाद आपको मेरे प्रोग्राम में इस वजह से आना पड़ रहा है। व्हाट अ गुड गाय। मसला ये कि आदमी बहुत अच्छे थे, और क्या कहें। वसीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काशिफ भाई, एक रिवायत चूँकि ये है कि, और अच्छी रिवायत है कि किसी के जाने के बाद अच्छे अल्फाज याद करते हैं, मैंने जुनेद जमशेद से ज़्यादा अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जानने वाले जानते हैं, जो मेरे करीबी दोस्त हैं, कि ये वो राय नहीं है जो मैं आज इसका इजहार कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सख्त तरीन जुमला जो उनके मुँह से किसी के खिलाफ सुना है वो ये कि उन्होंने किसी के बारे में कहा, यार इस आदमी ने बड़ी तकलीफ पहुँचाई मुझे यार वसीम, इसको ये नहीं करना चाहिए, बस ये सख्त तरीन जुमला था जो मैंने उनके मुंह से किसी के बारे में सुना है। आपको मैं बताऊं, ये चित्राल का प्रोग्राम एक्चुअली मेरे सामने बना था, हम हज पे थे, सईद अनवर साहब भी मेरे ख्याल है हज पे ही थे,
जो क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर वो आए, उन्होंने कहा कि चित्राल में इन लोगों ने बड़ा काम किया था। उन्होंने कहा कि जाने की जरूरत है, कोई और दोस्त भी थे बस हमारे सामने ही बैठे खाना खा रहे थे और वहीं बैठ के प्रोग्राम बना था कि चित्राल जाना है हमने। और मैं, मेरी पहली जो मुलाकात थी आरएफ अमित भट्टी साहब को याद होगा, आउट ऑफ द ब्लू मैं लाहौर में था, मुझे इनका फोन आया, कोई मुश्किल थी, कोई एक प्रॉब्लम थी, मैं नहीं जानता था इनको, इनका मुझे मैसेज आया मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैंने इनको कॉल किया, को घंटा डेढ़ घंटा हमने फ़ोन पे बात की, फिर मुझे कहीं जाना था, मैं कहा जी अगर आप को अभी मजीद बात करनी है मुझे बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ आपके पास, बैठ जा बैठ के मसला हल कर लेते। उनका कोई मसला था, कुछ उनको कुछ फैसला करना था। अगले दिन मैं और आरिफ अमित भट्टी साहब इकट्ठे ही थे, उनका फ़ोन आया, मैं भट्टी साहब को लेकर इनके घर चला गया। और वसीम मेरा ख्याल हम कोई तीन घंटे उनके पास बैठे रहे, मैं भी आरिफ अमित भट्टी भी। और उसके बाद फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया, आपको पता ही है उनका, वो उनके मैसेजेस आते हैं, एक ताल्लुकदारी उनका जो आपके साथ तरीकाकार रख रखाव। मैं शहजाद रॉय साहब, शहजाद यू डेल्ट विद हिम, आपकी भी उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? और हम सब शॉक्ड हैं बिकॉज मैं क्योंकि म्यूजिक स्टार्ट किया, बल्कि बिफोर हम इस पर बात करें मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि देर 47-48 पैसेंजर्स थे उस जहाज़ पर। आई एम श्योर सब की किसी का बाप था, किसी का भाई था, क्योंकि हमारा और मेरा पर्सनली जुनेद भाई से बड़ा करीबी ताल्लुक है, तो हम सब तो डायरेक्टली इफ़ेक्टेड हैं। लेकिन जितने लोग उस जहाज़ पर थे उनकी फैमिलीज, आज सबका कोई प्यार करने वाला चला गया इस दुनिया से, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या कहूँ। बट जैसे ये न्यूज़ सुनी और पता लगा जुनेद भाई का, तो मैं आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम और उनके सारे फ़ोन बंद आ रहे थे, तो फिर मैंने और जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करना शुरू किया। और फिर आखिर तक मैं दुआ कर रहा था कि आई होप ये, बिकॉज मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो, और फिर न्यूज़ कन्फर्म हुई और अभी तक यकीन नहीं आ रहा, बिकॉज यू नो आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारते हैं। हम जब टूर पे जाते थे तो हम 98 में मैं और जुनेद भाई और हमारे और कुछ स्टार्स एक साथ हम टूर पे गए थे, तो एक महीना आप दिन रात साथ रहते हैं, सुबह साथ उठते हैं, साथ ट्रैवल करते हैं, घंटों की गाड़ी की राइड होती है, आप ह्यूस्टन से डैलस जा रहे हैं, शिकागो से कहीं और जा रहे हैं, तो पूरा एक महीना दिन रात। ऐसे दो टूर्स हमने साथ किए, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे की। और अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही इकट्ठे हम कोई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने लग रहे थे, लेकिन ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट फ्रेंड, और मैं भी गाड़ी के अंदर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ जुनेद भाई की कोई चीज़ अगर रेडियो पे बज के कुछ हो गई तो कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो उनका हर दफ़ा ऑल ऑफ अ सडन एक कॉल आता था, और एक इशू भी हो गया तो उसमें भी बहुत ही करीब मैं आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट के मैं जो पार्ट प्ले कर सकूँ उसके अंदर। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताना चाहूँगा जो कि हमारे बहुत सारे लोगों को पता है बट डिस्कस कम होती हैं। मुझे जुनेद भाई हमेशा ये कहते थे, शहजाद अगर मैं इतना अच्छा म्यूजिशियन ना होता, अगर इतना अच्छे गाने कंपोज ना करता होता, तो मैं इतनी अच्छी नात कंपोज नहीं कर सकता था कभी, और जब इतनी अच्छी नात में कंपोज कर सकता हूँ तो मेरा मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो मुझसे वो कभी कहते थे कि अब मैंने मेजर सेवन्थ में एक बनाई है, फिर मैं सोचा था कि अगर यहाँ मेजर माइनर कर दे, तो वो म्यूजिशियन तो हमेशा से थे, तो वो मुझे बताते थे कि कितना कंट्रीब्यूट कर सक रहे हैं वो, क्योंकि उनकी म्यूज़िक सेंस अच्छी थी। तो मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा उनको दो और बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से हम याद रखेंगे जुनेद भाई को। पुराने गाने, ये आपको एक इमेज तो उनका मिलता होगा, मैं आई डोंट नो ये बात करने की है या नहीं, जाहिर है वो नात जितनी अच्छी पढ़ते थे और सारा गाने भी पुराने, कई दफ़ा आपके साथ बैठ के पुराने गाने गुनगुनाते, मैं अभी उनके साथ ही था तो उनसे कहा, मैं समझता हूँ ये बात क्यों नहीं करने की। आई नो तीन जनरेशंस को, जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें, मैं मतलब मेरा तो ख्याल है करने की है, सेलिब्रेट भी करना है उस आदमी को जिसने इतना कुछ दिया भी है ना, इन सबको, हम सबको दिया है। शहजाद आई मीन सॉरी, मैंने कहा एक आदमी की वो तमाम चीजें, उन्होंने सब कुछ ही दिया, अगर नात दी है, म्यूजिक दिया है, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि वो इतने जब अच्छे मूड में थे होते थे तो कुछ गुनगुना भी रहे होते थे, कुछ पुराने गाने। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं और वो इकट्ठे इस दफा अभी हज पे थे। दूसरा चित्राल का सफर, मुश्ताक भाई आप ज्यादा इस चीज को बेहतर समझेंगे,
سعید انور صاحب آئے, انہوں نے کہا یار وہ چترال والے لوگ ہیں نا, وہ بڑا کام کیا تھا انہوں نے, وہ آپ اس کا لفظ خصوصی تبلیغی جو استعمال کریں, بڑی محنت کی ہوئی ہے اس جگہ پہ, تو ان کا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہے. یہ جو ٹرپ تھا یہ حج کے دوران اس وقت پلان ہوا, کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں میرے سامنے یہ ساری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی چترال والا, چترال کا وہ فلانا آدمی تھا, اس نے کہا جناب آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہے. تو جنید بھائی اور سعید انور صاحب نے اکٹھے یہ پروگرام بنا رہے تھے اس وقت کہ ہمیں جانا چاہیے چترال. میرا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو اس وقت پروگرام بنا تھا وہ اب آ کے انہوں نے گئے ہوں گے, لیکن یہ ان کے ذہن میں پہلے تھا کہ جو محنت کی ہے اس کے اوپر ہمیں مزید کام کرنا جا کے. جی میں ابھی سعید بھائی کو کافی ٹرائی کر رہا تھا جب سے یہ مجھے پتا چلا اس واقعہ کے بعد, سعید بھائی کو ٹرائی کر رہے ہیں, ان کا نمبر بزی جا رہا تھا. سعید بھائی سے پوچھنا تھا کہ ریل کیا ہوا, کیسے ان سے ملاقات ہوئی, آخری باتیں کیا ہوئیں, تاکہ ہم وہ شیئر کر سکیں. تو سعید بھائی سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا, انشاءاللہ جیسے ہی رابطہ ہوگا. جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ اکثر ان کی کوشش ہوتی تھی, ہمیں بھی یہ کہتے ہوتے تھے جب ہم ان کے ساتھ تین دن کی سہ روزے کی جماعت کے نکلتے تھے, تو جس طرح میں ہوں یا انضمام ہیں یا کوئی اور ساتھی ہے جو یہ اس تبلیغ میں جاتے ہیں, تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی جس کے ساتھ جس کو تھوڑا سا ڈائریکشن کی طرف بتاؤ نا, جس کو راستہ دکھاؤ تو پھر اس کو فالو اپ ضرور کرنا. یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو کسی کو راستہ دکھا کے اس کو چھوڑنا نا راستے میں, اس کے ساتھ چلنا. کبھی کبھی کئی لوگ جو ہوتے ہیں راستے پہ چڑھتے ہی پھر واپسی کا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, تو میک شیور ان کو اینڈ تک پہنچا کے آنا. سو ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ جن لوگوں کے پہ محنت کرتے ہو ان کے ساتھ انٹریکٹ رکھنا, ان سے کمیونیکیشن چھوڑنا نہ کبھی, ان کو آئے گواہے فون کرتے رہنا. آپ یقین مانیں کہ چھوٹا سا چھوٹا بھی جاننے والا ہوتا تھا, میں اکثر دیکھا ہے کہ اتنا مجمع ہوتا تھا جہاں پہ ہم اکٹھے ہو جاتے تھے, لوگ مسجدیں بھر جاتی تھی وہاں پہ, تو جتنے بھی لوگ آتے تھے ایک بندے کو کبھی بھی ایک بندے کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے, کہ میں نے ایک بندے کو بھی نہیں دیکھا کہ ان کو ڈانٹ کے پرا کیا ہو کہ پرے ہو جاؤ یار میں تھک گیا ہوں. پوری پوری رات لوگوں کے پیچھے بات کرنی, اللہ کی بات کرنی, پھر سارا دن بات کرنی, جیسے ٹائم ملتا تھا ریلیکس کرنے کا تو فوراً سے پہلے لوگ آ جاتے تھے کہ جی جنید بھائی ہمارا تقاضا ہے کہ میڈیکل کالج میں جا کے یوتھ آپ سے ملنا چاہتی ہے, یوتھ سے تھوڑی سی بات کر لیں. تو کبھی نہیں کہا کہ یار میں تھک گیا ہوں مجھے ریسٹ دے دو, چلو بھی چلتے ہیں. اور میں اکثر کہتا تھا کہ جنید بھائی آپ ریسٹ کر لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, چائے شائے پی لیتے ہیں اس کے بعد چلے جانا. تو اکثر کہتے تھے یار مشتاق یہ ٹائم پتہ نہیں پھر ملنا ہے کہ نہیں ملنا, جتنا بھی ٹائم اللہ کے راستے میں اور اس کے لوگوں کے پیچھے لگ جائے تو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے, اصل کمائی یہ ہے, ایسی باتیں کرتے تھے. کاشف بھائی جیسے وسیم نے بڑی اچھی بات کی, کوئی الفاظ نہیں ہوتے کئی دفعہ انسان کے پاس, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں, مگر آپ یقین مانیں کہ نہیں ہوتے الفاظ کچھ لوگوں کے لیے. یہ بہت اچھے نفیس انسان تھے, اللہ کے قریب دے, دیکھیں زندگی کہاں سے کہاں پلٹی. اور سب سے امپورٹنٹ ہے جج نہیں بنتے تھے کبھی کسی کے, اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بے نمازی جا رہا ہے تو اس کو جج نہیں بنتے تھے کہ یار یہ فیل ہے, اس کو سختی نہیں کرتے تھے, پیار سے بات سمجھاتے تھے. یہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ یار جس کو اللہ کچھ نہیں کہہ رہا ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کا رائے قائم کرنے والے, ایسی باتیں کرتے تھے اکثر شروع میں. یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ ہمیں کرکٹرز کو کیمپ میں آ کے ملا کرتے تھے جب ہم خود کھیلا کرتے تھے, تو آ کے ہمیں یہ کانفیڈنس دیا کرتے تھے کہ دیکھو گھبرانا نا, کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے رہنا اللہ تمہیں. یہ کتنی خوبصورت باتیں بتاتے تھے کہ اللہ تم غلطی کرتے کرتے تھک جاؤ گے, اللہ تمہیں معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. تو وہ موٹیویشن صبح اکثر جب شروع سے ہمیں انہوں نے دی ہے, تو یہ تو ہمارے محسن تھے, یہ تو ہمیں وہ محسن تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو چینج کرنے کے بعد ہمیں ڈائریکشن بتائی کہ انسانیت کیا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کے نبی کیا ہے, قرآن کیا ہے, ایسی باتیں بتاتے تھے. اور بہت ہنسمکھ انسان تھے. یہ نہیں کہ جی بس کاشف میں ایک چیز یہاں پر شیئر کروں, جنید واز آلویز اے ویری گڈ اسپیکر, جنید بولتے بہت اچھا تھے اور وہ پڑھتے بھی بہت تھے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہسٹری کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, اس سے پہلے کہ جب انہوں نے نعت پڑھنا شروع کی اس سے پہلے بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی, ایسا نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا. بٹ جب وہ اس طرف آئے تو ایک دن میں بھی آتے ہوئے اپنی امی سے بات کر رہا تھا اور ان کو یاد دلا رہا تھا کہ جنید بھائی گھر آئے میرے اور میری امی کو انہوں نے کہا کہ میں شہزاد کو لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ تبلیغ پر سکھر. تو میں میری امی اوبویسلی ہم سب فین ہیں جنید بھائی کے, میری امی بھی فین, میری امی نے کہا بالکل آپ. تو میں نے کہا, میں نے جنید بھائی سے کہا چلتے ہیں میرے گھر پر ہی یہیں پر کراچی میں. تو ہم پھر ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اور بھی ان کے کلیگ سے ہم ساتھ گئے سکھر. وہاں انہوں نے مجھے کہا یار رات میں رات نکل رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں رات تم نے یہیں رہنا ہے. تو میں وہیں ان کے ساتھ رہا سکھر کے اندر ہی,
और अगले दिन सुबह फिर वो मुझे कहीं और लेके गए, फिर कर करके हम शाम में अगले दिन वापस आए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप था और बहुत इन्जॉय किया मैंने और बहुत अच्छा, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। फिर मैं जुनेद भाई को एक दिन, जुनेद भाई ने मुझे कहा कि यार शहजाद वो हमारे मेरे गवर्नमेंट स्कूल देखना चाह रहे थे, तो मैं उनको फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल लेके गया दिखाने के लिए। फिर वहाँ पर मेरी उनकी एक डिबेट हुई क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पर पार्ट प्ले कर सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ है जो मैं डायरेक्टली और मुझे बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। अच्छी बात जुनेद भाई की सबसे अच्छी जो मुझे लगती थी कि वो बहुत रीजनेबल आदमी थे और वो हमेशा आर्ग्यूमेंट से, लॉजिक से बात करने की कोशिश करते थे जब आपसी डिस्कशन होती थी, जब हम आपस में बैठते थे, और इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं डिस्कशन के अंदर और अपनी बात को कन्वे करने के अंदर, और कभी भी अग्रेशन और अग्रेसिव होकर कभी बात नहीं कर सकते थे। तो इतने अच्छे तरीके से हम बात करते थे आपस में, मैं और जुनेद भाई, कई डिस्कशंस हुई हैं और उसमें वाकई मज़ा आता था और वो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन होती थी। तो मुझे कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं यार तुम एजुकेशन में काम कर रहे हो तो ये छोड़ो और ये करो, कभी भी नहीं। मुझे उन्होंने आज तक कभी भी इस तरह की बात नहीं की, ना ही उन्होंने मुझे कभी कहा कि यार तुम म्यूजिक छोड़ दो, म्यूजिक मुझे कभी नहीं कहा उन्होंने। हमारी जब भी डिस्कशन होती थी वो हमेशा, बिकॉज हमारा एक ताल्लुक बहुत पुराना था सिंस 1995 से, जब मैंने म्यूजिक शहजाद, मैंने जितना उनको देखा ना, वो किसी को खींचते नहीं थे, कन्विंस करने की कोशिश करते। वसीम, यू वांट टू से समथिंग? मैं ब्रेक पे जाऊंगा, मैं एक और चीज, एक मेरा खाली भाई, एक हां मैं बहुत सेल्फी का, अगर आप उनसे पूछते कहते यार पूछा नहीं करो, पता नहीं आपके साथ ही हुआ वसीम, उनके होते यार मेरे से पूछे नहीं, यू नो ही न्यू के शायद ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कहते यार पूछे नहीं, यानी अगर किसी ने करना पीछे खड़े हो गए या साइड खड़े हो गए कुछ कर ले। जी वसीम। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं कंफ्यूज था कि ये बात बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मुश्ताक भाई ने कह दी तो मैं कह रहा हूँ। ही वॉज नेवर जजमेंटल अबाउट एनी वन, मतलब मैं इससे ज़्यादा मोहताज अल्फाज में नहीं बोल सकता कि सम वन और अ वुमन हु वुड अडॉप्ट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अर्निंग फॉर हरसेल्फ बाय सेलिंग हरसेल्फ, ही वुड नॉट इवन से रॉन्ग वर्ड्स अबाउट हर। ये मैं ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ कि अब भाई हमें क्या मालूम भाई अल्लाह के नज़दीक क्या, ये हम कौन से अल्लाह में हो गए, हम बताएंगे कि ये जन्नती है और ये जन्नत में नहीं जाएगा, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छी बुरी है, ये बताते थे हमेशा खुद की, माशाल्लाह इतनी एक उनकी लंबी दाढ़ी थी, नहीं कहते थे कि किसी को, वसीम हमने इस पर जज नहीं करना है कि यार ये दाढ़ी वाला है तो इसने जन्नत में जाना ही है, ये बगैर दाढ़ी वाला है तो ये तो अल्लाह के करीब हो ही नहीं सकता, पता नहीं अल्लाह को किसी क्या पसंद। नेवर एवर आई फाउंड हिम जजमेंटल अबाउट एनीवन, चाहे उसका आपके सेक्ट से तो क्या आपके मजहब से भी ताल्लुक ना हो, तो भी उन्होंने कभी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया कि यार ये ऐसे है और ये ऐसा है, कभी मैंने उनको किसी के बारे में कोई जजमेंटल पाया ही नहीं। और जो आप कह रहे हैं कभी खींचते नहीं थे, मैंने ऐसा भी देखा काशिफ भाई कि कुछ लोग, मैं जाती तौर पर जानता हूँ, आप जानते हो उन लोगों को, मैं टेलीविजन में नाम देना मुनासिब नहीं है, उन्होंने उनके पास आकर कहा कि जुनेद भाई आप हमारी इंस्पिरेशन है, आप हमें इस गन से निकालें, हम क्या इस काम में पड़े हुए हैं, अल्लाह को नाराज करने के काम में हम पड़े हुए हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमें भी वाला रास्ता करना है। तो उनका जवाब ये था कि बिल्कुल आओ इस तरफ, लेकिन तुम भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ये क्या बात हुई, तुम भी आहिस्ता 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 सब ठीक हो जाएगा, ये क्यों कह रहे हो अपने लिए, वरना तो हम एक ट्रेंड देखते ना कि यहाँ तो फतवे होते हैं कि जनाब तुम ऐसे हो, तुम काफिर हो, तुम ये हो, तुम अच्छे मुसलमान हो, तुम बुरे मुसलमान। एक बंदा जो खुद आकर कहता था कि जुनेद मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, उसको भी कहते थे नहीं तुम गलत काम नहीं कर रहे, हाँ लेकिन और बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फिक्र ना करो, हो जाएगा ठीक। अल्लाह सब की मगफरत करे, जितने लोग इस जहाज में सवार थे। एक ब्रेक लेते ना जी, लेकिन जुनेद भाई के साथ क्योंकि खसूसी ताल्लुक था हम सब का, जितने लोग आपको देख आपके सामने बैठे हैं सारे आपको अपने ज़ाती वाक़यात सुना रहे हैं जो जुनेद भाई के साथ वक्त गुजरा। एक ब्रेक लेते ना जी, ब्रेक कर दो आपके साथ। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फ़ख्र हूँ इज़्ज़ो नदामत साथ लाया, चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फ़ख्र हूँ इज़्ज़ो नदामत साथ लाया, इलाही तेरी चौखट पर। वेलकम बैक नाज़रीन। वसीम अभी जाहिर है, वी कैन ओनली टॉक अबाउट हिम एंड
एंड हाउ गुड अ गाय ही वाज. हम सारों की एक चीज जो बिल्कुल हर आदमी से आप सुनेंगे जुनेद भाई के बारे में कि वो कितना ही वाज अ ग्रेट गाय एज एन इंडिविजुअल, एक फर्द के तौर पे. और वो जो मिसअंडरस्टूड, ये जो नॉर्मा है ना, मिसनॉर्मा उनके बारे में, ये सेक्ट का कि ये शायद ये थे, यू नो, मैंने नहीं देखी उस तरह की कोई चीज. और काशिफ भाई देखिए, मेरा और उनका जितना साथ रहा है, जब आप 30 दिन लिटरली 24 घंटे एक बंदे के साथ होते हैं, हमारे तो ऑफिस में अपार्टमेंट्स भी साथ ही हैं, तो हम या ट्रांसमिशन में होते हैं रमजान की, या फिर कमरे में भी साथ ही होते हैं, सहर करके वापस जाते हैं तो भी गपशप लगाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते थे. यानी आपको ये इतना काफी टाइम होता है, जब 5 साल तक आप 30 दिन 24 घंटे बंदे के साथ हो, आपको उसके मिजाज का अंदाजा हो जाता है. मैंने कभी इनडायरेक्टली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्टली तो छोड़ दीजिए, इनडायरेक्टली भी कभी किसी सेक्ट के हवाले से कोई ऐसी बात उनके मुंह से कभी सुनी ही नहीं है. हाँ, मैंने डायरेक्टली उन लोगों के खिलाफ उनसे बात सुनी है जो किसी भी सेक्ट के खिलाफ बात करते थे. वो कहते थे कि यार मेरा ये ओपिनियन है और इसका ये ओपिनियन है, लेकिन इस ओपिनियन को गाली देने का हक किसने दिया है? हो सकता है मैं भी इस ओपिनियन से अग्री ना करता हूं, लेकिन ये किसने हक दिया कि इसमें गाली दी जाए? ही यूज टू गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि मुझे क्या पता कि अल्लाह के नबी के आगे कयामत के दिन ये वाला जो 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 ग्रोह है, ये वाला फर्द है, ये वाला तबका है, ये ज्यादा वो, तो भाई मैं कौन होता हूं बताने वाला? मैंने इनडायरेक्टली भी, काशिफ भाई, मैंने और ये मैं सेक्टेरियन तनाजुर से बिल्कुल हटकर बात कर रहा हूं, मैं एक अलग बात कर रहा हूं कि मैंने एक दफा बड़ी नाराजगी का इजहार किया है इस बात पे कि यार आपके लिए जो ना फलां साहब ने जनाब ये बातें की हैं. अब मैंने सहर की नशरियात की, मैंने कहा और ये बड़ी ये ठीक नहीं हुआ है कि मैंने देखा उन्होंने कहा. आप यकीन माने, अब काशिफ भाई ये टेलीविजन प्रोग्राम नहीं है कि बंदा हम कहें यार हीरो बनने के लिए एक बात कह दी. मैं था, जुनेद जमशेद था और हमारा अल्लाह था. उसने हमसे बात की कि यार वसीम, उसने तो जो कहना था कह दिया, अब सोच यार मैं कोशिश करूँ मेरी उससे मुलाकात हो जाए. उन्होंने उन साहब का नाम लिया. मैंने तो ये करना है कि मैंने उनसे कहना है कि हुजूर, ये आपकी जूती है और ये मेरा सर है, आपने जो सजा देनी है दीजिए और बस मुझे आप माफ कर दीजिए. मैंने कहा भाई गालियां निकाल रहे, आपको क्या माफी तलाफी वाली बात ही नहीं. उन्होंने कहा यार वसीम, तुम ये सोचो, तुम ये मंजर नहीं सोचो, तुम ये सोचो, तू ये सोच के जब ये, जो उनका मखसूस अंदाज था तू करके बात, तू ये सोच जब ये बंदा भी जो है वो अल्लाह के नबी की राह में मुझे माफ कर देगा और मैं इसको माफ कर दूंगा और फिर जब कौम सबको साथ देखेगी तो कितना अच्छा मंजर जाएगा यार, तू ये सोच, बस छोड़ो. और मैंने जिंदगी में उस आदमी के खिलाफ भी कभी इनसे बात नहीं सुनी. मुश्ताक भाई, योर लास्ट वर्ड्स, आई मीन, मैं अगेन आपकी ये बात, और वो ये बात हम पहली शुरू से कह रहे हैं, अल्फाज नहीं हैं ऐसे वक्त में, लेकिन ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि आपके बारे में, किसी के बारे में भी सबका ओपिनियन या नुक्ता नज़र को मस्बत ही बात आपके बारे में करके जा रहे हैं. काशिफ भाई देखें, पहली बात, एक दफ़ा मैंने उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा यार पाकिस्तान के हालात, दुआ करें जुनेद भाई अच्छे हो जाएं, तो ये उनके अल्फाज थे. कहते हैं मैंने बुजुर्गों से सुना, उलमा इकराम से सुना है, मुफ्ती हजरात से सुना है कि जो मुल्क बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे है उसको कुछ नहीं हो सकता. इतनी पॉजिटिव आदमी थे, इतने पॉजिटिव, जो मुल्क बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर है, इतनी मोहब्बत करते थे पाकिस्तान से. और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, जैसे आपने कहा मेरे आखिरी जो उनके लिए है, ये अल्फाज से कोई बात नहीं बनती. काशिफ भाई, जुनेद भाई के लिए जो अब इस दुनिया से चले गए हैं, हमें डिसाइड करना है आज कि हम जो मिशन लेके आए थे, लोगों में मोहब्बत पिलाना, लोगों में जोड़ पैदा करना, हम भी नियत करते हैं. मैं नियत करता हूं आपके प्रोग्राम के तवसल से, आप नियत करें, वसीम करें, शहजाद करें, हम सारे ये करते हैं कि जो उनका मकसद था कि हम अल्लाह के हुक्म और हजूर के तरीक़ों के मुताबिक लोगों से मोहब्बत करें, जजमेंटल ना बने, बस अपने जो अल्लाह के हुक्म है और हजूर के तरीक़े हैं उनके ऊपर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें. आप देखिएगा कि अल्लाह के फजल करम से जुनेद भाई पैगाम हमें दे के गए हैं या हम लोगों को दे के गए हैं, हम उसके ऊपर नियत कर लें. हम यही उनके लिए आखिरी दुआ कर सकते हैं. और गए हुए बंदे के लिए कुछ ना कोई उनके जाने के पर नियत कर ले ना कोई आदमी. तो मैंने ये सुना है, मुझे मैंने ये सुनी है बातें कि ऐसे जब कोई आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है, हमारा गुमान है कि वो तो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे और गुमान पर अल्लाह फैसले करते हैं, तो उनके जाने पर हम नियत कर लेते हैं कि हम अपनी जिंदगियों का रुख उस तरफ करेंगे जैसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहता है और लोगों से मोहब्बत करेंगे. मेरा तो यही पैगाम है. बाकी अल्फाज आपकी बात सही है, हमारे पास नहीं है. अल्लाह उनके और जितने भी जहाज वाले, जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसाफिर हैं, अल्लाह उनके खानदानों को, उनके औलादों को, उनके अहलो याल को सब्र दे और उनके दर्जात को बुलंद करे जो इस दुनिया में से चले गए. शहजाद, काशिफ, मैं आने से पहले भी अली अजमत से मेरी बात हो रही थी फोन पर, और लिटरली वो तो
अली का कॉन्सर्ट था अभी और उसने कहा मैं साउंड चेक करके आऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे गाऊंगा क्या करूंगा। बट अली ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि इसके फादर का जहाज से ताल्लुक, जुनेद का एयरफोर्स से ताल्लुक और जहाज़ों के इतने करीब रहना, फैमिली सारी, और फिर ये हादसा होना, ये बहुत ही ट्रेजिक है।